यस क्लास नाइन से फोर टॉपिक अ ट्रूली ब्यूटिफुल माइंड, बहुत ही अच्छा टॉपिक है। जैसा कि आप देख चुके हैं नंबर फर्स्ट पैराग्राफ द अल्बर्ट आइंस्टाइन इस नाम से स्टार्ट हो रहा है। इट मीन्स उनकी एज अ बायोग्राफी के तौर पर इस चैप्टर को लिखा गया है और साथ ही साथ उनके क्या कॉन्ट्रीब्यूशन रहे हैं एज अ पेट्रियोटिक पर्सन के तौर पर, वो भी हमें पढ़ने को मिलेगा यहाँ इस टॉपिक में। बिफोर यू रीड में देखें सबसे पहले, हु डू यू थिंक ऑफ व्हेन यू हियर द वर्ड जीनियस, हु डू यू थिंक ऑफ, आप किसके बारे में सोचते हैं जब भी आप इस शब्द को सुनते हैं जीनियस। हु इज अ जीनियस, कौन है जीनियस, व्हाट क्वालिटीज डू यू थिंक अ जीनियस हैज, किस तरह की विशेषताएं एक जीनियस में, एक बहुत ही कुशाग्र व्यक्ति में होनी चाहिए ऐसा हम सोचते हैं। वी शैल नाउ रीड अबाउट अ यंग जर्मन सिविल सर्वेंट हु टुक द वर्ल्ड बाय स्टॉर्म अबाउट 100 ईयर्स एगो। वी शैल नाउ रीड, हम पढ़ेंगे अबाउट अ यंग जर्मन सिविल सर्वेंट हु टुक द वर्ल्ड बाय स्टॉर्म अबाउट 100 ईयर्स एगो, जिसे ले जाया गया इस पूरे संसार के तो एक बहुत ही बड़े तूफान, अभी क्या है जो हम पढ़ेंगे 100 ईयर्स एगो, तकरीबन 100 साल पहले। इन द समर ऑफ 1905 द 26 ईयर्स ओल्ड पब्लिश्ड इन क्विक सक्सेशन फोर ग्राउंड ब्रेकिंग पेपर्स अबाउट लाइट। इन द समर ऑफ 1905, तकरीबन समर सीजन की बात की जा रही है 1905, 26 वर्ष की आयु का, पब्लिश्ड इन अ क्विक सक्सेशन फॉर ग्राउंड ब्रेकिंग पेपर्स अबाउट लाइट, जो कि एक रोशनी में आया, मोशन ऑफ पार्टिकल्स को लेकर के, द इलेक्ट्रो डायनामिक ऑफ मूविंग बॉडीज को लेकर के और एनर्जी को लेकर के, ये उनके वर्क की बात की जा रही है। हिज वर्क टुक अप ओनली अ फ्यू पेजेस इन साइंटिफिक जर्नल्स, उनका जो कार्य था, उनके जो भी आविष्कार थे, टुक अप ओनली अ फ्यू पेजेस, कुछ पेजेस से लेता है इन साइंटिफिक जर्नल्स के तौर पर, बट चेंज फॉर एवर, लेकिन बदल गए हमेशा हमेशा के लिए, फॉर अंडरस्टैंडिंग ऑफ स्पेस टाइम एंड द एंटायर कॉस्मोस, कॉस्मोस ये वर्ल्ड जो है उसका ही सिनोनिम है, यूनिवर्स का सिनोनिम, एंड ट्रांसफॉर्म द नेम आइंस्टाइन इनटू अ सिनोनिम फॉर जीनियस, और आइंस्टाइन के नाम पर ये सिनोनिम के तौर पर बन गया फॉर जीनियस। 50 ईयर्स आफ्टर हिज डेथ, उनकी मृत्यु के 50 साल के बाद, अल्बर्ट आइंस्टाइन्स जीनियस स्टिल रेंस, उनकी जीनियस आज भी आप हम सबके थ्रू मानी जाती हैं, उसे सम्मान दिया जाता है। देखें फर्स्ट पैराग्राफ, उससे बिफोर एक वर्ड मीनिंग है जो इससे रिलेटेड हूँ, कहीं ना कहीं दो पैराग्राफ में देखें, लिखा जा रहा है फ्रीक, अ वर्ड यूज टू डिसअप्रूविंगली टू टॉक अबाउट अ पर्सन हु इज अनयूजुअल एंड डजंट बिहेव लुक एंड थिंक लाइक अदर्स, एक एब्सेक्ट नाउन के तौर पर है ये, जो डिसअप्रूवल को शो करता है कि आप किसी एक ऐसे व्यक्ति से बात करने के इच्छुक नहीं हैं जो कि अनयूजुअल है, जिसका व्यवहार, दिखने की शैली और सोचने की शैली औरों से मिलती जुलती नहीं है, ऐसे व्यक्ति से बात करने की जो हिचकिचाहट है या जो नापसंदगी है उसे फ्रीक कहा जाता है। अल्बर्ट आइंस्टाइन वॉज बोर्न ऑन 14 मार्च 1879 इन द जर्मन सिटी ऑफ अन, अल्बर्ट आइंस्टाइन जी उनका जन्म 14 मार्च 1879 जर्मन की एक सिटी अन, विदाउट एनी इंडिकेशन दैट ही वॉज डेस्टाइंड फॉर ग्रेटनेस, बिना किसी एक इंगित के, बिना किसी एक सूचना के, संकेत के कि वो डेस्टाइंड माने जाएंगे फॉर ग्रेटनेस, महानता के तौर पर। ऑन द कॉन्ट्रेरी हिज मदर थॉट अल्बर्ट वॉज अ फ्रीक, जबकि विरोधाभास चीज ये थी कि उनकी माता ऐसा सोचती थी, ऐसा मानती थी कि वो एक फ्रीक पर्सन है। टू हर हिज हैड सीम्ड मच टू लार्ज, टू हर उनके लिए हिज हैड सीम्ड मच टू लार्ज, कि इसका दिमाग जो बहुत बड़ा दिखता है, उनका ऐसा मानना था। एट द एज ऑफ 2.5, तकरीबन 2.5 साल की आयु में, आइंस्टाइन स्टिल वॉजंट टॉकिंग, आइंस्टाइन बोल भी नहीं सकते थे। व्हेन ही फाइनली डिड लर्न टू स्पीक, जब उन्होंने अंततः बोलना सीखा, ही अटर्ड एवरीथिंग ट्विस्ट, तो वो हर एक शब्द को तकरीबन 2 बार बड़बड़ाते हकलाते। आइंस्टाइन डिड नॉट नो वॉट टू डू विथ ओल्डर चिल्ड्रन, आइंस्टाइन नहीं जानते थे वॉट टू डू, क्या करना चाहिए विथ ओल्डर चिल्ड्रन, बड़े बच्चों के साथ, एंड हिज प्लेमेट्स जो है उनके खेलने वालों के साथ, कॉल्ड हिम ब्रदर बोरिंग, वो उन्हें कहते हैं ब्रदर बोरिंग। सो द यंगस्टर प्लेड बाय हिमसेल्फ मच ऑफ द टाइम, इसलिए यंगस्टर जो है प्लेड बाय हिमसेल्फ, जो उनके थ्रू खिलाए जाते हैं मच ऑफ द टाइम। ही स्पेशली लव मैकेनिकल टॉयज, उन्हें ज़्यादातर प्रेम जो था वो मैकेनिकल टॉयज, जो मशीनी खिलौने होते थे, उनसे ज़्यादा प्रेम था। लुक एट हिज न्यू बॉर्न सिस्टर, अपनी जो न्यू बॉर्न सिस्टर है उन्हें जब वो देखते हैं, माजा, ही सैड टू हैव सैड फाइंड बट वेर आर हर व्हील्स, अपनी जब लिटिल सिस्टर को वो देखते हैं तो वो कहते हैं कि तुम्हारे व्हील्स का है, यानी वो उसे भी, आइंस्टाइन उसे भी, अपनी सिस्टर को भी, एक चलती थी, उठती थी, बैठती थी। अ हेडमास्टर वंस टोल्ड हिज फादर दैट व्हाट आइंस्टाइन चोज एज अ प्रोफेशनल वुडेंट मैटर, हेडमास्टर जो वंस टोल्ड, ऐसा कहते हैं उनके पिता से
that what Einstein chose as a profession wouldn't matter. कि Einstein as a पेशेवर के तौर पर किसे चुनेगा वो मायने नहीं रखता है, but he shall never make a success at anything. लेकिन वह सफलता किसी में भी हासिल नहीं कर पाएगा. ऐसी prediction उसके principal, उसके headmaster Einstein के देते थे, उसके father. Einstein began learning to play the violin at the age of 6. 6 वर्ष की आयु में उन्होंने violin को बजाना सीखा because his mother wanted him to, क्योंकि माता उनसे ये चाहती थी. He later became a gifted amateur violinist. फिर धीरे धीरे वो बहुत जल्दी ही amateur, देखिए लिखा हुआ है word meaning, doing something for personal enjoyment rather than as a profession. आप कुछ ऐसा कर रहे हैं केवल केवल अपने मन की संतुष्टि के लिए, अपने मन को आनंदित करने के लिए, बजाय कि आप उसमें पेशेवर नहीं हैं, आप उसमें पारंगत नहीं हैं. यानी वॉयलिन को वो इस तरह से बजाते हैं. बट एल्बर्ट आइंस्टाइन वॉज नॉट अ बैड पीपल. लेकिन एल्बर्ट आइंस्टाइन जो वो कोई बुरे स्टूडेंट नहीं थे. पीपल स्टूडेंट का सिनोनिम है, कोई ऐसे डल स्टूडेंट नहीं थे. ही वेंट टू हाई स्कूल इन मुनिच. मुनिच एक प्लेस का नाम बताया जा रहा है जर्मन में, यहाँ पर जहाँ वो पढ़ने गए. वेयर आइंस्टाइन फैमिली हैड moved when he was 15 months old. जहाँ आइंस्टाइन का परिवार जो जा चुका था जब उनकी आयु तकरीबन 15 साल की थी. And scored good marks in almost every subject. और तकरीबन हर विषय में उन्होंने बहुत ही अच्छे अंक प्राप्त किए. आइंस्टाइन hated the school's regimentation. आइंस्टाइन जो है स्कूल regimentation जो है स्कूल जो है उसे बड़ा hate करते थे. And often clashed with his teacher. और अमूमन उनकी तकरार हो जाती थी अपने teachers के साथ. At the age of 15, 15 साल की आयु में Einstein felt so stifled there that he left the school for good. Einstein felt so stifled there. Stifled देखे लिखा हुआ है, unable to breathe, suffocated. जहाँ एक घुटन सी होती थी उन्हें उस स्कूल में. और रीजन बताया जा रहा है he left the school for good. अपने अच्छे के लिए उन्होंने उस स्कूल को छोड़ दिया. The previous year, Albert's parents had moved to Milan and left their son with relatives. पिछले वर्ष एल्बर्ट के जो पेरेंट्स थे, आइंस्टाइन के जो पेरेंट्स थे, अभिभावक थे, हैड मूव जा चुके थे टू मिलन एंड लेफ्ट देयर सन विथ रिलेटिव. और अपने बच्चे को, अपने लड़के को, आइंस्टाइन को अपने रिश्तेदारों के पास छोड़ गए. आफ्टर प्रोलॉन्ग डिस्कशन, एक बहुत बड़े डिस्कशन के बाद, विचार विमर्श के बाद, आइंस्टाइन गॉट हिज विश टू कंटिन्यू हिज एजुकेशन इन जर्मन स्पीकिंग स्विट्जरलैंड इन अ सिटी विच वॉज मोर लिबरल दैन मुनिच. फिर उन्होंने ये डिसीज़न लिया, अपनी ऐसी इच्छा जाहिर की कि वो अपनी शिक्षा जो है उसे जारी रखना चाहते हैं जर्मन स्पीकिंग स्विट्जरलैंड के अंदर, इन अ सिटी, एक शहर है विच वॉज मोर लिबरल, जो कि बहुत ही स्वतंत्र है दैन मुनिच. मुनिच जो है उसके कंपैरिजन में, क्योंकि हमने देखा मुनिच के अंदर जो स्कूल है वहाँ वो सफोकेटेड सा फील करते थे, एक तरह की घुटन उन्हें होती थी जिसे वो छोड़ना चाहते थे. और हमने देखा तकरीबन फोर्थ पैराग्राफ में लास्ट लाइन कि उन्होंने स्कूल को छोड़ भी दिया अपने अच्छे के लिए. आइंस्टाइन वॉज हाईली गिफ्टेड इन मैथामेटिक्स. आइंस्टाइन जो बहुत ही अच्छे थे मैथामेटिक्स के अंदर, गणित विषय के अंदर, एंड इंटरेस्टेड इन फिजिक्स, और रुचि थी उनकी फिजिक्स भौतिकी. एंड आफ्टर फिनिशिंग स्कूल, अपनी स्कूल जो एजुकेशन है उसे पूरा करने के बाद, ही डिसाइडेड टू स्टडी एट अ यूनिवर्सिटी इन ज्यूरिच. उन्होंने निश्चय किया कि वो अपनी आगे की पढ़ाई जो है यूनिवर्सिटी में पूरा करेंगे जो कि ज्यूरिच के अंदर है. बट साइंस वॉज नॉट द ओनली थिंग दैट अपील टू द डैशिंग यंग मैन विद द वॉलरस माउथसैक. लेकिन हम बात करें साइंस, विज्ञान जो है वो केवल एक पर्याप्त विषय नहीं था जो अपील, हम कहना चाहें प्रशंसा करें उस डैशिंग यंग मैन की, जिस तरह से आप पिक्चर्स देख रहे हैं उनकी विद द वॉलरस माउथसैक जो है, जिस तरह की मूछें आप देख रहे हैं. अर्लियर फर्स्ट पिक्चर आइंस्टीन ने 1900 एट द एज ऑफ 21 और 1955, रिमेंबर हिम नाउ, जिसे हम आज इस फेज के रूप में हम जानते हैं. जनरली हम जब भी उनकी इमेजेस देखते हैं या अच्छी अच्छी गाइड्स पर जब हम लोग इमेजेस उनकी देखते हैं तो हमें ये सेकंड पिक्चर जो है वही देखने को मिलती है. नाउ एक वर्ड मीनिंग और देख लें यहाँ पर, लिबरल, विलिंग टू अंडरस्टैंड एंड रेस्पेक्ट अदर्स ओपिनियन. जहाँ आप सहमत हैं समझने के तौर पर और सम्मान करते हैं दूसरों के विचारों का, मंतव्यों का, दैट इज कॉल्ड बी अ लिबरल. ही ऑल्सो फेल्ट अ स्पेशल इंटरेस्ट इन अ फेलो स्टूडेंट. ही ऑल्सो फेल्ट, वह महसूस भी करते थे स्पेशल इंटरेस्ट और बहुत ही अच्छा एक अपनी रुचि इन अ फेलो स्टूडेंट, जो उसके सहपाठी थे उनके साथ, मिलेवा मैरिक, इसका नाम बताया जा रहा है, होम ही फाउंड टू बी अ क्लेवर क्रिएचर, जिससे उन्हें लगा कि बहुत ही चतुर हैं, बहुत ही चालाक हैं, उनकी जैसे जीनियस को कंटेन करती हैं अपने साथ.
दिस यंग सर्ब हैड कम टू स्विट्जरलैंड. ये यंग सर्ब जो हैं स्विट्जरलैंड से आई थी बिकॉज यूनिवर्सिटी इन ज्यूरिच वॉज वन ऑफ द फ्यू इन यूरोप वेयर वुमेन कुड गेट डिग्रीज. क्योंकि ज्यूरिच जिस यूनिवर्सिटी में ये शिक्षा अपनी ले रहे हैं वो उन फ्यू यूनिवर्सिटी जो यूरोप में उनमें से ये एक थी जहाँ पर महिलाएँ जो अपनी डिग्री जो है उन्हें हासिल कर सकती हैं. तो जहाँ पर ये महिला उन्हें मिले वह अमेरिक जिससे उनकी मुलाकात हुई. आइंस्टाइन सॉ इन हर एन एली अगेंस्ट द फिलेंटिस्ट दोज पीपल इन हिज फैमिली एंड द यूनिवर्सिटी विथ होम ही वॉज कॉन्स्टेंटली एट ओट्स. आइंस्टाइन सॉ इन हर एन एली, देखिए लिखा हुआ फ्रेंड और एन एसोसिएट, हम मित्र कह लें या साथी कह लें, सहयोग करने वाला. इस तौर पर वो उन्हें देखते थे, इस नज़र से वो उन्हें देखते थे. अगेंस्ट द फिलिस्टाइंस दोज पीपल, फिलिस्टाइंस देखिए लिखा हुआ है वर्ड यूज टू डिसअप्रोविंगली टॉक अबाउट पीपल हु डू नॉट लाइक आर्ट लिटरेचर और म्यूजिक. एक ऐसा वर्ड जिसे हम कहना चाहें फिलिस्टाइन, एक ऐसे लोग जहाँ पर डिसअप्रोविंग है आप में टू बात करने में, टू टॉक अबाउट पीपल, उन लोगों के बारे में हु डू नॉट लाइक, जो पसंद नहीं करते हैं आर्ट को, लिटरेचर को एंड म्यूजिक. द कपल फेल इन लव, यानी ये मिलेवा मेरिक और आइंस्टाइन, धीरे धीरे ये इन दोनों के बीच एक प्यार बन जाता है. लेटर सर्वाइव इन विच दे पुट देयर टेंडरनेस अफेक्शन इन टू वर्ड्स. फिर धीरे धीरे ये सर्वाइव करना शुरू करते हैं, इनका जीवन आगे बढ़ता है. दे पुट देयर अफेक्शन इन टू वर्ड्स, फिर उनका लगाव जो है वो शब्दों में आ जाता है. मिक्सिंग साइंस विथ टेंडरनेस, फिर अपना विषय जो है वो भी एक साथ ये बनाना शुरू कर देते हैं विज्ञान को लेकर के. रॉट आइंस्टाइन हाउ हैप्पी एंड प्राउड आई शैल बी व्हेन वी बोथ हैव ब्रॉट आवर वर्क ऑन रिलेटिविटी ऑन अ विक्टोरियस कॉन्क्लूजन. आइंस्टाइन ऐसा कहता है जिस पर वो रिसर्च कर रहे हैं अपनी, जिस पर वो अपना वर्क कर रहे हैं, कि हाउ हैप्पी, कितना अच्छा होगा, एंड प्राउड आई शैल बी, मैं होऊंगा कितना गौरवान्वित और कितना खुश. व्हेन वी बोथ हैव ब्रॉट, जब हम लेकर के आएंगे दोनों ही आवर वर्क, हमारे कार्य को, ऑन रिलेटिविटी पर टू अ विक्टोरियस कॉन्क्लूजन, एक बहुत बड़ी विक्टोरियस जो हम कहना चाहिए जो जीत के सार के रूप में. आज भी हम पढ़ते हैं उनकी रिलेटिविटी कॉन्सेप्ट जो कि आप नीचे पेज पे देख रहे हैं, E इज इक्वल टू MC स्क्वायर पर. इन 1900 एट द एज ऑफ 21, तकरीबन 21 साल की आयु में अल्बर्ट आइंस्टाइन वॉज अ यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट एंड अनएम्प्लॉयड. अल्बर्ट आइंस्टाइन जो है वो यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट हुए एंड अनएम्प्लॉयड, पर उनके पास करने को कुछ काम नहीं था. ही वर्क एज अ टीचिंग असिस्टेंट, उन्होंने एज अ सह शिक्षक के तौर पर कार्य करना शुरू किया. गिव प्राइवेट लेसन्स एंड फाइनली सिक्योर अ जॉब इन 1902. प्राइवेट लेसन्स वो देते हैं और सिक्योर किया उन्होंने अपना एक जॉब 1902 में एज अ टेक्निक एक्सपर्ट इन द पेटेंट ऑफिस इन बर्न. तो इसका नाम बताया जा रहा है बर्लिन को लेकर के. व्हेन ही वॉज सपोज टू बी असेसिंग अदर पीपल इन्वेंशन, व्हेन ही वॉज सपोज, जब उनको लेकर के ऐसा माना जा रहा था टू बी असेसिंग अदर्स पीपल, के दूसरे लोग जो हैं उनकी पहुंच को लेकर के, उनको लेकर सहायताएं करेंगे उनकी इन्वेंशंस को लेकर के. आइंस्टाइन वॉज एक्चुअली डेवलपिंग हिज ओवन आइडियाज इन सीक्रेट. आइंस्टाइन सही मायने में अपने खुद के जो आइडियाज थे, अपने खुद के जो विचार थे, उन्हें वो विकसित कर रहे थे. ही इज सेट टू हैव जोकिंगली कॉल्ड हिज डेस्क ड्रॉवर एट वर्क द ब्यूरो ऑफ थ्योरेटिकल फिजिक्स. ही इज सेट, वह ऐसा कहते थे, उनके द्वारा ऐसा कहा जाता था, टू हैव जोकिंगली हंसी हास और उपहास के तौर पर कॉल्ड हिज डेस्क ड्रॉवर एट द वर्क द ब्यूरो ऑफ थ्योरेटिकल फिजिक्स. कि ये उनकी डेस्क जो है ये एक जांच पड़ताल के तौर पर है, एक जो हम कहना चाहें खोज के तौर पर है भौतिकी की. वन ऑफ द फेमस पेपर्स ऑफ 1905 वॉज आइंस्टाइन स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी अकॉर्डिंग टू विच टाइम एंड डिस्टेंस आर नॉट एब्सोल्यूट. उनका जो सबसे फेमस पेपर था 1905 में वॉज आइंस्टाइन स्पेशल थ्योरी उनकी रिलेटिविटी को लेकर के, जो कि समय को लेकर के और दूरी को लेकर के आधारित थी. इनडीड एब्सोल्यूट देखे लिखा जा रहा है मेजर इन इटसेल्फ नॉट इन रिलेशन टू एनीथिंग एल्स. जहां आपको खुद ही मेजरमेंट किसी का मापन करना होता है बिना किसी से संबंध बनाए. अकॉर्डिंग टू दिस टाइम एंड डिस्टेंस आर नॉट एब्सोल्यूट. इनडीड टू परफेक्टली एक्यूरेट क्लॉक्स विल नॉट कंटिन्यू टू शो द टाइम सेम टाइम इफ दे कम टुगेदर अगेन आफ्टर अ जर्नी इफ वन ऑफ देम हैज बीन मूविंग वेरी फास्ट रिलेटेड टू द अदर. टू परफेक्टली एक्यूरेट क्लॉक्स, जहां हम कहना चाहें दो पूरी तरह से एक बराबर घड़ी जो चलती हैं, विल नॉट कंटिन्यू, लगातार नहीं रह पाएंगी टू शो द टाइम, समय को दिखाने में. इफ दे कम टुगेदर, अगर वो आती हैं साथ साथ, अगेन आफ्टर अ जर्नी किसी एक यात्रा के बाद, इफ वन ऑफ देम, अगर उनमें से कोई एक हैज़ बीन मूविंग, गुजर रहा है वेरी फास्ट, बहुत ही तीव्र गति से, रिलेटिव टू अदर, दूसरों से संबंध बनाए हुए हैं,
From this followed the world's most famous formula which describes the relationship between mass and energy. From this, यहाँ से followed the world's most famous formula, जो follow करते हो world के सबसे famous formula को जो describe करती है relationship between mass and energy. एक संबंध mass में और energy में is equal to mc square. In mathematical equation, E stands for energy, m for mass and c for the second speed of the light in a vacuum about 300,000 किलोमीटर पर सेकेंड. देख अब क्या कहा जा रहा है जो इसके बारे में नेक्स्ट पेज पे देखें. व्हेन आइंस्टाइन वाज सॉल्विंग द मोस्ट डिफिकल्ट प्रॉब्लम इन फिजिक्स, जब आइंस्टाइन जो है वो सॉल्व कर रहे थे, हल कर रहे थे सबसे जो डिफिकल्ट प्रॉब्लम थी उनकी भौतिकी में, उनके रिसर्च में, हिज प्राइवेट लाइफ वॉज अनरेवलिंग स्टार्टिंग टू फेल, असफल होना शुरू हो गई. जो उन्होंने हमने ऊपर जो लेडी पढ़ी मेलविका, उनके साथ जो उन्होंने अपने जीवन को आरंभ किया था जहाँ वो प्यार में पड़ गए थे, वो पर्सनल लाइफ जो थी वो बिगड़ चुकी थी, अब बिगड़ना शुरू हो चुकी थी मेलेवा के साथ. एल्बर्ट है वॉन्टेड टू मैरी मेलेवा राइट आफ्टर फिनिशिंग हिज स्टडी. एल्बर्ट जो शादी करना चाहते थे मेलेवा के साथ अपने स्टडीज के पूरा होने के जस्ट आफ्टर. बट हिज मदर वॉज अगेंस्ट हिम, लेकिन उनकी माता जो है वो उसके विरोध में थी. शी थॉट मेलेवा हु वॉज 3 years ओल्डर दैन हर सन, जो कि 3 साल बड़ी हैं उनके पुत्र से यानी आइंस्टाइन से, वॉज टू ओल्ड फॉर हिम, जो कि उनके लिए बहुत बड़ी आयु की होंगी. शी वॉज ऑल्सो बोथर्ड बाई मेलेवाज इंटेलिजेंस, इसके अलावा वो बोथर्ड चिढ़ती भी थी जो मेलेवा की इंटेलिजेंस थी उसके साथ. लेकिन विचार जो मिलते थे, हम जो कहते हैं समान विचारधारा के लोग ही संगठन बनाते हैं, अ बर्ड्स फ्लॉक टुगेदर, जो हम कहना चाहें पक्षी हमेशा एक झुंड में उड़ते हैं, समान विचारधारा के लोग अपना संगठन बनाते हैं, वैसे ही आइंस्टाइन जो है उनकी केमिस्ट्री सेट हो चुकी थी मेलेवा के साथ एज अ उनकी इंटेलिजेंस से इम्प्रेस होते हुए. शी इज़ अ बुक लाइक यू, हिज मदर सैड, शी इज़ अ बुक लाइक यू, आप उनके अनुसार ऐसा माना था कि वो किताब की तरह हैं, हिज मदर सैड, उनकी माता ऐसा कहती. आइंस्टाइन पुट द वेडिंग ऑफ, आइंस्टाइन जो है वो शादी की. द पेयर फाइनली मैरिड इन जनवरी 1903, उस दंपति ने जनवरी 1903 में शादी की एंड हैड टू सन्स, और उनके दो पुत्र हुए. बट अ फ्यू ईयर्स लेटर, लेकिन कुछ सालों के बाद द मैरिज फ्लटर्ड, बैलेंस बिकेम वीक, जो हम कहना चाहें यहाँ वर्ड में लिखा हुआ है, एक बैलेंस जो वो नहीं बन पाया और वो शादी जो टूटने के कगार पर आ गई. मेलेवा मीनवाइल वाज लॉसिंग हर इंटेलेक्चुअल एम्बिशन एंड बिकमिंग एन अनहैप्पी हाउसवाइफ, अपनी इंटेलेक्चुअल एम्बिशन जो थी, जो उनकी कुशाग्र बुद्धि जो थी, साइंस के फील्ड में जो उन्हें आगे जाना था, उन सबको वो खो चुकी थी और अनहैप्पी थी एज अ हाउसवाइफ अपनी ड्यूटीज को पूरा करने के तौर पर. आफ्टर ईयर्स ऑफ कॉन्स्टेंट फाइटिंग, काफ़ी समय जो उन्होंने बिताया एक गृह युद्ध के बाद जो पति और पत्नी के बीच चल रहा है आइंस्टाइन मेलेवा के बीच, द कपल फाइनली डिवोर्स इन 1919. इस कपल का, इस दंपति का विवाह विच्छेद हो गया है 1919 में. आइंस्टाइन मैरिड हिज कज़न एल्सा द सेम ईयर, उन्होंने अपनी कज़न एल्सा से शादी कर ली उसी साल. आइंस्टाइन न्यू पर्सनल चैप्टर कॉन्साइड विथ हिज राइज टू वर्ल्ड फ्लेम, आइंस्टाइन जो है न्यू पर्सनल चैप्टर, उनका जो व्यक्तिगत जो अध्याय है अब दूसरा जो शुरू होने जा रहा है, राइज टू वर्ल्ड फेम, बहुत ही हासिल हुई उन्हें एक बहुत अच्छी फेम, बहुत ही अच्छी प्रसिद्धि. इन 1915 ही हैड पब्लिश हिज जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, 1915 में उन्होंने अपनी पब्लिश किया, अपने प्रकाशन किया अपनी जनरल थ्योरी का जो रिलेटिविटी पे बेस्ड थी. एंड एक्लिप्स ऑफ द सन इन 1919 ब्रॉट प्रूफ दैट इट वॉज एक्यूरेट, जो एक्लिप्स था, जो ग्रहण था सूर्य को लेकर के 1919 में, वो इस बात की पुष्टि कर देता था कि हाँ उनकी जो रिलेटिविटी पूरी तरह से सही थी, इट वॉज एक्यूरेट. आइंस्टाइन हैड करेक्टली कैलकुलेटेड इन एडवांस द एक्सटेंट टू विच द लाइट फ्रॉम फिक्स स्टार वुड बी डिफ्लेक्टेड थ्रू द सन्स ग्रेविटेशनल फील्ड. देखिए डिफ्लेक्टेड को मीनिंग लिखा जा रहा है साइड में यहाँ पर, चेंज डायरेक्शन बिकॉज इट हिट समथिंग, यानी साइंस में जरूर 9th में आप लोग आ चुके हैं तो आपने फिजिक्स में एक दो टॉपिक जरूर पढ़े होंगे लाइट को लेकर के, जहाँ पर एक साइनी सरफेस पर हम माने जब लाइट रेज आती हैं तो वो अपने पथ से, अपने वे से डिस्ट्रैक्ट हो जाती हैं, दैट इज़ कॉल्ड डिफ्लेक्टेड. तो यहाँ ये बात कहने को प्रूव हो रही है, उनका जो एक्सपेरिमेंट था, उनकी जो रिसर्च थी वो यहाँ पूरी हो रही है. वो क्या, अगेन आई रिपीट, आइंस्टाइन हैड करेक्टली कैलकुलेटेड इन एडवांस, अग्रिम में ही उन्होंने इसकी गणना कर ली द एक्सटेंट
और टू विच द लाइट फ्रॉम फिक्स्ड स्टार, जो फिक्स्ड स्टार से आती हैं वुड बी डिफ्लेक्टेड होती हैं थ्रू द सन ग्रेविटेशनल फील्ड, सूर्य का जो गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र है वहाँ से। द न्यूज़पेपर प्रोक्लेम, न्यूज़पेपर ने इस बात की घोषणा की हिज वर्क एज अ साइंटिफिक रेवोल्यूशन, कि उनका जो कार्य है, उनका जो रिसर्च है वो विज्ञान विषय में एक क्रांति की भांति है। आइंस्टाइन रिसीव द नोबेल प्राइज फॉर फिजिक्स इन 1921। आइंस्टाइन जो है उन्होंने नोबेल प्राइज जो उसको रिसीव किया भौतिकी के अंदर सन 1921 में। ही वॉज शावर्ड विथ ऑनर एंड इन्विटेशन फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड, उन्हें कई सारे सम्मान और कई सारे आमंत्रण जो मिले ओवरऑल पूरी वर्ल्ड से, पूरी दुनिया से, अलॉटेड बाय द प्रेस। और जो प्रेस थी, मास कम्युनिकेशन, जितने भी मोड्स थे, उन सब में उन्हें एक बहुत अच्छी फेम जो वो हासिल हुई। व्हेन द नाजीज केम टू पावर इन जर्मनी इन 1933, जब नाजीज जो हैं इनका प्रभुत्व जो है जर्मनी में एस्टेब्लिश हुआ सन 1933 में, आइंस्टाइन ई माइग्रेटेड टू द यूनाइटेड स्टेट। आइंस्टाइन जिन्होंने अपना उपवास कर लिया था यूनाइटेड स्टेट्स में, 5 years later, 5 सालों के बाद, द डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियर फ्यूजन इन बर्लिन हैड अमेरिकन साइकिस्ट इन एन अपरोर। डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियर फ्यूजन को लेकर के जो ये खोज हुई बर्लिन के अंदर हैड अमेरिकन साइकिस्ट इन एन अपरोर, एक बहुत बड़ी ऊर्जा जो है, बहुत बड़ा आंदोलन जो वो लेकर के आई। मैनी ऑफ देम, उनमें से बहुत से लोग हैड फ्लेड फ्रॉम फैसिज्म, जस्ट एज आइंस्टाइन हैड नाउ, दे वर अफ्रेड द नाजीज कुड बिल्ड एंड यूज एन एटॉमिक बॉम्ब। मैनी ऑफ देम हैड फ्लेड फ्रॉम फैसिज्म, जिस तरह का ये डिस्क्रिमिनेशन चल रहा था नाजीज के आने के बाद, बहुत से इस डर से भयभीत थे, जस्ट एज आइंस्टाइन हैड, आइंस्टाइन को भी ऐसा भय था, ऐसा एक डर था, एंड नाउ दे वर अफ्रेड, और अब भी डर रहे थे द नाजीज से, कुड बिल्ड, कि वो बना ना लें एंड यूज एन एटॉम बॉम्ब, इसका इस्तेमाल ना कर लें। इसके लिए हम देखेंगे कि किस तरह का कॉन्ट्रीब्यूशन जो उन्होंने दिया, यहाँ तक हम इंसिडेंट पढ़ते हैं। इसके बाद जो है तकरीबन 15, 16, 17 को लेकर के और पेजेस हैं कुछ, फिर इनके क्वेश्चन आंसर जो हैं वो बहुत जल्दी, फिर मैं इसके आपको जो क्वेश्चन आंसर्स की पीडीएफ है वो भी दूंगा, नंबर 15 को लेकर के, 16 को लेकर, 17 को लेकर के, देखें क्या लिखा जा रहा है। जो एट द अर्जिंग ऑफ अ कलीग, आइंस्टाइन रॉट अ लेटर टू द अमेरिकन प्रेसिडेंट, जब जो कलीग हैं उनके, जो उनके साथ काम करने वाले, उनकी जो प्रार्थना हुई, तब आइंस्टाइन ने एक पत्र जो लिखा अमेरिकन प्रेसिडेंट को, जिस वक्त थे फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट, ऑन 2 अगस्त 1939, इन विच ही वॉन्ट अ सिंगल बॉम्ब ऑफ दिस टाइप, जहाँ वो चेतावनी देना चाहते थे इस प्रकार के बॉम्ब की जो नाजीज बनाने जा रहा था, एक्सप्लोडेड इन अ पोर्ट माइट वेरी वेल डिस्ट्रॉय द होल पार्ट टुगेदर विद सम ऑफ द सराउंडिंग टेरिटरी, जहाँ उनका ऐसा सुझाव था कि अगर इस बम का इस्तेमाल किया जाएगा तो एक बहुत बड़े स्तर पर टेरिटरी जो है, जो साम्राज्य है आपका, उसे नुकसान होगा, वो डिस्ट्रॉय होगा। विद सम ऑफ द सराउंडिंग टेरिटरी हिज वर्ड्स डिड नॉट फेल टू हैव एन इफेक्ट, उनके जो शब्द थे, उनके जो प्रयास थे, वो असफल नहीं हुए टू हैव एन इफेक्ट, प्रभाव डालने के तौर पर। द अमेरिकन डेवलप द एटोमिक बॉम्ब, अमेरिका ने डेवलप कर लिया एटॉमिक बॉम्ब को इन अ सीक्रेट प्रोजेक्ट के तौर पर ऑफ देयर ओन, स्वतः ही, एंड ड्रॉप्ड इट ऑन द जापानीज सिटी ऑफ हिरोशिमा एंड नागासाकी इन अगस्त 1945। अभी हाल ही में कुछ समय पहले हमने तकरीबन 5 अगस्त को तकरीबन इसको सेलिब्रेट किया, हिरोशिमा नागासाकी डे को। आइंस्टाइन वॉज डीपली शेकन बाय द एक्सटेंट ऑफ द डिस्ट्रक्शन, आइंस्टाइन जो बहुत ही ज़्यादा दुखी हुए इस प्रकार का डिस्ट्रक्शन, जिसको वो पहले ही भाप चुके थे अपने अंदर। दिस टाइम ही रॉट अ पब्लिक मिसिव टू द यूनाइटेड नेशन, इस वक्त उन्होंने लिखा पब्लिक मिसिव, मिसिव लेटर एक्सप्रेसली लॉन्ग एंड ऑफिशियल, जो बहुत ही बड़ा होता है और एक कार्यालय पत्र के रूप में होता है, जो कि यूनाइटेड नेशन को लिखा, यूएन को। इन द प्रपोज द फॉर्मेशन ऑफ अ वर्ल्ड गवर्नमेंट, इन द प्रपोज एक प्रस्ताव के तौर पर, द फॉर्मेशन ऑफ वर्ल्ड गवर्नमेंट, के एक विश्व की सरकार बनाई जाए, विश्व वैश्विक स्तर पर एक सरकार बनाई जाए। अनलाइक द लेटर्स टू रूजवेल्ट, दिस वन मेड नो इम्पैक्ट, इसका उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा रूजवेल्ट को, जो पहले पत्र उन्होंने लिखा था रूजवेल्ट को आइंस्टाइन। बट ओवर द नेक्स्ट डिकेड, लेकिन आने वाले कुछ समय में आइंस्टाइन गॉट एवर मोर इन्वॉल्व इन पॉलिटिक्स, आइंस्टाइन जो है वो और ज़्यादा अग्रिम अपनी रुचि दिखाने लगे पॉलिटिक्स, राजनीति में, एग्रीटिंग फॉर एन एंड टू द आर्म्स बिल्ड अप एंड यूजिंग हिज पॉपुलरिटी टू कंपेनिंग फॉर पीस एंड डेमोक्रेसी, और अपने जो एग्रीटेटिंग है, अपना जो पॉलिटिक्स एग्रीटेटिंग था, जो उनका विद्रोह था राजनीति को लेकर के, अपना जो रोष था, फॉर एन एंड टू द आर्म्स बिल्ड अप एंड यूजिंग हिज पॉपुलरिटी टू कंपेनिंग फॉर पीस एंड डेमोक्रेसी, और फिर उन्होंने इसका इस्तेमाल शांति और लोकतंत्र जो है उसकी स्थापना के लिए किया। विजनरी एक मीनिंग लिखा जा रहा है, अ पर्सन हु कैन थिंक अबाउट द फ्यूचर, दूरदर्शी जिसको हम कहते हैं, जो भविष्य को लेकर के सोच सकता है, देख सकता है, इन एन ओरिजिनल एंड इंटेलिजेंट वे।
When Einstein died in 1955 at the age of 76, जब 1955 में उनकी मृत्यु हुई 76 वर्ष की आयु में, he was celebrated as a visionary and world citizen as much as a scientific genius. उन्हें पूरी तरह से celebrate किया गया. आज भी हम जानते हैं उनके birthday को लेकर के जब भी बात आती है या as a genius way में हम जब भी कोई example देना चाहते हैं तो उनका नाम हम लेने से चूकते नहीं हैं. And world citizen as much as a scientific genius. तो ये था यहाँ तक आप लोगों का टॉपिक. अब इसके थिंकिंग अबाउट के क्वेश्चंस हैं और थिंकिंग एंड अबाउट लैंग्वेज को लेकर के क्वेश्चंस हैं वगैरह, जो कि बहुत जल्दी ही आपको मैं एज अ पीडीएफ के तौर पर भेज दूंगा क्लास 9th. इसकी जो पोएम है जिसे आपको पढ़ाया जाएगा फिर जस्ट आफ्टर, तो जिन्होंने बुक्स परचेज नहीं की वो बुक्स भी अपने साथ रखें जरूर, क्योंकि इसको सुनने के साथ साथ बुक्स का होना भी जरूरी है. थैंक्स अ लॉट.